की थी, लेकिन उन्होंने वहां आत्महत्या कर लिया, जिसके बाद से उन्होंने अपने पीछे सारे सपने को अधूरे छोड़ चुकी हैं। बताया जा रहा है कि आकांक्षा दुबे का एक ऐसा सपना था जो वो पूरा नहीं हो सका। आकांक्षा दुबे वाराणसी में फिल्म की शूटिंग के लिए रुकी थी, जिस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि वो एक ऐसा फिल्म बनाना चाहती है जिसमें अश्लीलता ना हो, ताकि वो बच्चे और अपने परिवार के साथ लोग देख सकें। वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से अश्लीलता को खत्म करना चाहती थी, लेकिन आकांक्षा दुबे का ये सपना उनकी मौत के साथ ही अधूरा रह जाता है। आपको बता दें कि आकांक्षा दुबे वाराणसी में अपनी फिल्म लायक हूँ मैं नालायक नहीं फिल्म की शूटिंग के लिए रुकी थी। शूटिंग से पहले फिल्म को लेकर हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकांक्षा दुबे ने भोजपुरी फिल्म में अश्लीलता परोसे जाने पर खुलकर बात की। उन्होंने फिल्म की शूटिंग को लेकर कहा कि लायक हूँ मैं नालायक नहीं फिल्म एक पारिवारिक फिल्म है, इसे लोग काफ़ी पसंद करेंगे। वो आगे ऐसी फिल्म बनाना चाहती जिसमें लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे से देख सके। वो ऐसी फिल्म नहीं करना चाहती है जिसमें अभद्र भाषा का उपयोग किया गया हो, जिसे ना तो बच्चे देख सके ना तो कोई परिवार का सदस्य। हम कोशिश करेंगे कि भोजपुरी को ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट बना सकें। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि वर्तमान समय भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता वाले सीन दिखाए जाने पर उन्होंने कहा था कि कई स्टोरी होती हैं जिसमें वैसे सीन का डिमांड होती है, तो आर्टिस्ट को करना ही पड़ता है, लेकिन हम एक कलाकार हैं, हम हर कले में घुसना और घुल मिलना हमारा काम है। कलाकार को ये सीन नहीं पसंद आता है तो वो मना भी कर सकता है, ताकि समाज में लोगों में गंदे मैसेज ना जाए। तो हम खुद नहीं चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें करें ताकि गलत मैसेज जाए। भोजपुरी इंडस्ट्री से अश्लीलता को क्लियर करना चाहते हैं। पूरे इंडस्ट्री में आए दिन अश्लीलता के गाने आते हैं जिसे लोग देख कर उन पर काफ़ी कॉमेंट करते हैं, जैसे खासकर बिहार में ऐसे कॉमेंट किए जाते हैं। तो ऐसे चीज़ों को लेकर आकांक्षा दुबे क्लियर थी कि वो अश्लीलता को हटाना चाहती है, वो एक अच्छी अच्छी फिल्में बनाना चाहती है जिसे लोग परिवार के साथ बैठ के देख सके, लेकिन उनका मौत के बाद से ये सपने उनके अधूरे रह चुके हैं। हाल में ही उनकी मां ने वाराणसी के थाने में भोजपुरी सिंगर समर सिंह के और उनके बड़े भाई को उन्होंने FIR दर्ज कराया था, लेकिन इस मामले में अभी तक गुत्थी सुलझ नहीं हुई है। आगे इस उनके केस में क्या कुछ अपडेट आता है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें द ST News।